प्रोजेक्ट की साइड है जहां पर आवासीय प्रोजेक्ट चल रहा है, और यहां पर हमने देखा कि कई नियमों का पालन तो हो रहा है लेकिन डस्ट के लिए अभी पूरी तरह से जो कवरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और इसलिए यहां पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है जिससे कि नियमों का सही से पालन हो सके। आज से एंटी डस्ट कैंपेन का सेकेंड फेज दिल्ली में शुरू हो रहा है। पिछले अक्टूबर के महीने में पूरे दिल्ली में लगभग 2500 साइटों का विजिट किया गया था, जिनमें से 450 लगभग साइटें नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गई थी, जिनके ऊपर 1,30,00,000 का जुर्माना लगाया गया था। आज से पुनः सभी टीमें जो है दिल्ली की साइटों का विजिट करेंगी जिससे कि जो डस्ट का पोल्यूशन है, धूल का जो पोल्यूशन है, उसको हम कम कर सकें। सर, अब तक आपने कौन कौन सी पर्सनली साइट पे विजिट किया और वहाँ पे क्या पाया? नहीं, हमने तो बहुत सारी साइटों का विजिट किया है, सबका अलग अलग है। जहाँ पर कई जगह अच्छे साइटें थी जहाँ पर नियमों का पालन करते हुए पाया गया, जहाँ पे नहीं हुआ वहाँ पे हमने पेनाल्टी लगाया। सर, आज का क्या कुछ कार्यक्रम है? देखो, दिल्ली के अंदर अभी जो प्रदूषण का स्तर है, चारों तरफ जो पराली जलने की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी तक जो आंकड़े आए हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मिला करके, अभी तक 45,000 जगहों पर फायर जो है वो लगाया गया है, और उसका इम्पैक्ट जो है अभी हवा जो ही थोड़ी चेंज हो रही है, दिल्ली का जो है वो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो आज से दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन जो हमने अक्टूबर के महीने में चलाया था, आज से उसका सेकेंड फेज हम शुरू कर रहे हैं, और दोबारा हमारी टीमें दिल्ली के जितने कंस्ट्रक्शन साइट हैं जहाँ से जो धूल के कण उड़ते हैं और वायुमंडल में जाते हैं और PM10 PM2.5 में तब्दील होते हैं, तो ये एंटी डस्ट कैंपेन आज से हमने दोबारा शुरू किया है। दिल्ली के अंदर जितने एजेंसियां हैं लगभग 25 विभागों को एंटी डस्ट सेल बनाने के लिए हमने निर्देश दिया है, जो टीमें बनी हैं, और आज से दोबारा जो है पुनः सभी दिल्ली की जो साइटें हैं कंस्ट्रक्शन, उनका विजिट किया जाएगा। पिछले अभियान में लगभग 2500 साइटों का DPCC की टीम ने विजिट किया था, उनमें से लगभग 450 साइटें ऐसी थी कि जहां पर नियमों का उल्लंघन पाया गया था, और उन पे लगभग 1,30,00,000 का जो है फाइन किया गया था। आज एंटी डस्ट कैंपेन के दूसरे चरण की शुरुआत के लिए हम यहाँ पर ये जो करकराडूमा में NBCC का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इसका हमने दौरा किया है। काफ़ी मानदंड तो यहाँ पर पालन करते हुए पाए गए हैं, लेकिन कुछ इलाकों में जो है डस्ट का इंतजाम नहीं है, तो अभी 5,00,000 का जुर्माना जो है आज जो है